और ये बात थी बीजेपी की अभी तक, लेकिन अब हम कांग्रेस के एंगल से बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी 183 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दिया गया है, जबकि वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को उतारा गया है। ये बड़ी बातें इस वक्त हम आपको चौथी लिस्ट को लेकर बता रहे हैं। 46 उम्मीदवारों के नाम तय किए जा चुके हैं। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की है और अब तक 183 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है, और जिसमें महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के कई चेहरे। लेकिन इस बीच वाराणसी से अजय राय को फिर से मौका दिया गया है। ये मध्य प्रदेश की लिस्ट भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो मंथन किया है उसका क्या असर हुआ है वो लिस्ट के जरिए आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह प्रत्याशी हैं, यूपी की वाराणसी सीट से अजय राय को टिकट दिया गया है। ये बड़े नाम हैं और मैं सीधे अपने सहयोगी मनोज शर्मा का रुख करूंगी, भोपाल से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, कांग्रेस पार्टी के लिए बीते चुनाव से लेकर अभी तक जो मध्य प्रदेश की राहें हैं वो भी आसान नहीं है। दो फार में मध्य प्रदेश की राजनीति हो जाती है, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदल लिया। अब जो बची हुई चीजें हैं कांग्रेस पार्टी के पास, क्या वो संभाल के रख पाएगी अपने दो दिग्गजों के जरिए, कमलनाथ और दिग्विजय के जरिए? जी बिल्कुल, जो आपने कहा ना कि आसान राह नहीं, सही कहा जाए तो कांग्रेस के लिए तो बहुत कठिन है जो ये डगर पनघट की, मतलब लोकसभा के चुनाव की जो डगर है ये बहुत कठिन है, क्योंकि 29 में से 28 सीटें तो वैसे ही अभी बीजेपी के पास हैं और इकलौती छिंदवाड़ा सीट जीतने का भी दावा बीजेपी कर रही है। अब की बार अगर वो दिल्ली में नारा दे रहे हैं कि 400 पार तो मध्य प्रदेश में, अब की बार पूरी 29 सीटों की बात बीजेपी कर रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए अब आप सामने देखिए कि कांग्रेस का जो नज़ारा है वो ये है कि अभी भी कांग्रेस से दो बड़ी अहम सीटें हैं, क्योंकि जब आप अपने किसी दुश्मन से लड़ते हैं, किसी को चुनौती देते हैं, तो सबसे पहले उसके जो हाई प्रोफाइल सीट है उसमें अपना उम्मीदवार सामने खड़ा करते हैं और चुनौती देते हैं। तो आप देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान विदिशा से बीजेपी के लिए है, तो अभी तक विदिशा से कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर गुना से हैं तो अभी तक कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि कौन गुना से सिंधिया के सामने लड़ेगा, मगर अब दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से उतारा है। दो बार दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव जीत चुके हैं और जाहिर तौर पर दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से उतारकर पार्टी ने कोशिश की है कि वो राजगढ़ सीट को जीते। इसके अलावा कांतिलाल भूरिया, एक आदिवासी बहुल सीट है जो रतलाम झाबुआ, उस सीट पर कांतिलाल भूरिया भी पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई मर्तबा वो वहां से चुनाव जीते। तो ये जो आप बता रहे हैं उसका लबोलुआब यही है कि कांग्रेस पार्टी के पास अभी भी बचे खुचे वही 2-4 दिग्गज है। इसके अलावा अभी भी उसने कार्यकर्ताओं को उस लेवल तक तैयार नहीं किया कि वो 2024 के चुनाव में किला फतह कर सके। कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट में यूपी की 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने राज्य की सबसे वीवीआईपी सीट वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, सहारनपुर से इमरान मसूद और अमरोहा से दानिश अली को टिकट दिया गया है। यूपी में सपा के साथ ये गठबंधन के तहत यूपी की 80 में से सिर्फ 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आप दर्शकों को हम दे रहे हैं, जहां पे कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है इस वक्त हम बता रहे हैं। यूपी में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, इस गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीट मिली है, जिसमें 9 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने यूपी के वाराणसी से अभी क्या किया है, अजय राय को मौका दिया है, सहारनपुर से इमरान मसूद को उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं अमरोहा से दानिश अली, बारामकी से तनुज पुनिया को टिकट मिला है। कांग्रेस ने झांसी से प्रदीप जैन, कानपुर से आलोक मिश्रा पर दाव खेला है, वहीं देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, फतेहपुर सिकरी से रामनाथ सिकरवार और बांसगांव से सदल प्रसाद को मौका दिया गया है। वो चेहरे जो कि यूपी में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके चेहरे हम दिखा रहे हैं आपको। कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों की 4 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें उसने अब तक 183 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें उसने सबसे पहली लिस्ट में कांग्रेस ने एक केंद्र शासित राज्य समेत 9 राज्यों के 39 प्रत्याशियों का ऐलान किया। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 6 राज्यों के 43 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तीसरे लिस्ट में कांग्रेस ने केंद्र शासित राज्य समेत 8 राज्यों के 56 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। वहीं कल जारी चौथी लिस्ट में कांग्रेस ने 2 केंद्र शासित राज्यों समेत 13 राज्यों के 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है।
कांग्रेस के लिए यूपी के अमरोहा सीट से दानिश अली को प्रत्याशी बनाए जाने पर विरोध का सामना करना पड़ा है। पार्टी के कार्यकर्ता ही दानिश अली का विरोध कर रहे हैं। दानिश अली को बाहरी प्रत्याशी बताकर अमरोहा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया। दानिश अली कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे और जिसके बाद पार्टी ने उन्हें अमरोहा से सचिन चौधरी की जगह प्रत्याशी बना दिया। और इस बात को लेकर नाराजगी कितनी ज्यादा है, यह दिल्ली की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम इस लिहाज से पहुंचा कि आपने बाहरी को टिकट क्यों दिया, स्थानीय किसी चेहरे को टिकट क्यों नहीं दिया गया, और इसी बात की नाराजगी भी है। सचिन चौधरी की जगह प्रत्याशी बना दिया गया। सियासी खबरों से अलग हम कुछ और बड़ी बातें करेंगे। शराब घोटाला केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल और के कविता से जल्द ही आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की ईडी रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी गई है। ईडी की दलील यह है कि के कविता का साक्ष्य और केस के दूसरे आरोपियों से आमना सामना करवाना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हुई है। ईडी की दलीलें और क्या है वो भी हम आपको बता दें। ईडी की दलीलें यह है कि के कविता के जरिए ही साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर नई शराब नीति में एंट्री की थी। ईडी का दावा तो यह भी कि 100 करोड़ रुपए के इस रिश्वत कांड में आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए। ऐसे में ईडी सूत्रों का कहना तो यह भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कविता का आमना सामना करना जांच एजेंसी बेहद जरूरी समझ रही है ताकि नई शराब नीति की साजिश और मुख्य तौर पर मनी ट्रायल का खुलासा हो सके। बहुत जल्द के कविता अरविंद केजरीवाल दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होनी है और मनी ट्रेल के बारे में पता लगाने की कोशिश। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी भी दावा दलीलें यही कि आरोप निराधार है, इसमें कोई आधार नहीं है, ये राजनीतिक साजिश है। जबकि ईडी की टीम का कहना है कि हमारे पास बहुत कुछ है। कांग्रेस के कई नेता केजरीवाल को नैतिक तौर पर इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं तो बीजेपी नेता केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। मेरा ये है कि कानूनी रूप से शायद कोई चीज़ रोकती नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा व्यक्तिगत सोचे तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि सरकार चलाने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी मुश्किलें आती हैं, काफ़ी जद्दोजहद होती है, तो मेरा व्यक्तिगत ये होगा कि अगर वो किसी और को मनोनीत कर दे या पार्टी चुन ले तो शायद बेहतर रूप से अगले कुछ दिन सरकार चलेगी। लेकिन ये उनकी पार्टी है, उनके पार्टी का अपना निर्णय है। सामान्यतः हम लोग ये मानते हैं कि कौन किस पार्टी को अपने संसदीय दल का नेता बनाता है, कौन किसको मुख्यमंत्री बनाता है, ये हर पार्टी का अपना इंटरनल डिसीजन होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस उनको इस वेदना में बोलने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल स्वयं जिम्मेदार है। आज जिस तरह से वो बात कर रही थी तो मुझे लगता है बेहतर होता ये उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जिस दिन अरविंद केजरीवाल सरकारी सुविधाएं भी ले रहे थे, सरकारी कोठी भी ले रहे थे, सरकारी गाड़ी भी ले रहे थे, सरकारी सुरक्षा भी ले रहे थे, क्योंकि कसम तो अरविंद केजरीवाल ने खाई थी कि नहीं लूँगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन भी हो सकती थी जिस दिन उस आलिशान बंगले में गृह प्रवेश हो रहा था। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिर झटका लग चुका है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी के रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने रिमांड और गिरफ्तारी को अवैध बताया है और खुद को तुरंत रिहाई का हकदार बताया है, लेकिन 27 मार्च को ही यह सुनवाई हो सकती है।